हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सबको एसी इंग्लिश एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया जाएगा। क्या बिल्कुल जो सेमेस्टर वन का जो पैटर्न फॉलो किया गया था, क्या उसी पैटर्न से आपका एग्जामिनेशन होगा, या फिर पैटर्न बदल गया, या फिर SAQ, या फिर MCQ, या फिर LAQ, कौन सा पैटर्न में इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा, क्या आप सुनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, CU के तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी हाल फिलहाल में आया हुआ है, जहां पे CU ने इंग्लिश का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई कर दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। जी बिल्कुल, ये नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नोटिफिकेशन में यही लिखा हुआ है कि जब आप इंग्लिश का एग्जाम देने जाओगे, तब आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसी क्वेश्चन पेपर पर आपको टिक करके अपने इनविजिलेटर को सबमिट कर देना है। जी बिल्कुल, यानी इसमें आप समझ पाओगे कि MCQ पेपर ही होगा। इंग्लिश का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो MCQ ही है, और 25 MCQ आएगा, 25 MCQ दो दो मार्क्स करके आएगा, और 50 मार्क्स आपका इंग्लिश का एग्जामिनेशन है। मैं बता दूं कि इंग्लिश का सारा वीडियो, सारा का सारा वन शॉट हम लोग फ्री में यूट्यूब में ले रहे हैं, और उसको अटेंड कर लीजिएगा। और भाई, 1 सितंबर को मैराथन होगा, और 2 सितंबर को 500+ MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे। जल्दी से यूट्यूब चैनल पर आ जाओ अभिषेक झा क्लासेस, और इस रील को हर एक दोस्त को शेयर करो। दोस्तों मैं बता दूं, 25 MCQ आएगा, दो मार्क्स करके, एक एक MCQ करके है, ठीक है। और इस नोटिफिकेशन में यही दिया हुआ है कि आपको ये जो क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड होगा, उसी क्वेश्चन पेपर में आपको टिक करके अपने जो इनविजिलेटर है उसको सबमिट कर देना है। सो थैंक यू सो मच। ऐसे ऐसे अपडेट्स जानने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यूट्यूब में लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और थैंक यू सो मच गाइस।